हेलो 20 सब्सक्राइबर्स एंड माय फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप? और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि मैं आपका दोस्त बन पाऊँ, आपकी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एक सही डिसीजन कैसे लें। वो डिसीजन करियर का हो सकता है, वो डिसीजन सब्जेक्ट डिसाइड करने का हो सकता है। दोस्तों, आपने ऐसे स्टूडेंट को तो देखा ही होगा जो कहते हैं, यार मुझे कॉमर्स नहीं लेना था, अरे यार इंजीनियरिंग करके बहुत बड़ी गलती की, यार बीकॉम नहीं करना था, यार बायो नहीं लेना था। तो इस वीडियो में मैं आपको दो पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, दो पावरफुल पॉइंट्स। पहला है इमेजिनेशन और दूसरा है वर्किंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इमेजिनेशन को, कि इमेजिनेशन क्या है। दोस्तों, अगर हम कोई न्यू सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, न्यू डिग्री डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। जैसे मुझे तो यही करना है, मेरे लिए तो यही सही है, मैं तो बायो ही लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भाई यही डिग्री करूँगा, मैं तो कॉमर्स ही लूँगा। और फिर वही बाद में कहते हो कि यार मुझे बायो नहीं लेना था, मुझे कॉमर्स नहीं लेना था, क्यों? डिग्री नहीं, क्योंकि आपने वर्किंग प्रोसेस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी डिसाइड करते हो, करियर हो गया या फिर सब्जेक्ट हो गया, तो आप हमेशा इमेजिनेशंस पर ध्यान देते हो, वर्किंग प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग प्रोसेस पर ध्यान कैसे देना है। मान लो आपको टेंथ के बाद कॉमर्स करना है, तो आप उसके बारे में इमेजिनेशंस तो कर लेते हो कि हाँ मुझे यही करना है, ये मेरे लिए यही सही है। और जब उस पर वर्क करना होता है, जब उस पर मेहनत करनी होती है, तब क्या हमारा उसमें इंटरेस्ट है? आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, चाहे आपको कॉमर्स अच्छा लगे या फिर मैथ्स अच्छा लगे, आपको पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम वर्क करना है, काम करना है, मेहनत करना है। तो आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो, उसके बाद आपको जो डिग्री करना है, उसके बाद आपको जो वर्क करना है, जॉब करना है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? आपको दूर तक सोचना है। तो बात पूरी क्लियरली है कि जो भी आप डिसीजन लोगे, उसके बाद आपका आउटपुट निकलेगा, जो आपको करना पड़ेगा, जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? और अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे कि मैं ये करूँगा, मेरे लिए सही है, तो सोच सोच में फिर वही आपको कहना पड़ेगा कि यार कॉमर्स नहीं लेना था। तो ये एग्जाम्पल था, आप इसे आपके सब्जेक्ट से रिलेट कर लें। तो दोस्तों, मेरा ये पर्पस है कि मैं आपकी और ऑल ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करके और उनकी लाइफ की जो कन्फ्यूजन की पॉल्यूशंस है, उन्हें मैं दूर कर पाऊँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। तो कीप स्टडी, कीप प्रैक्टिस। गुड बाय, आई लव यू ऑल।